तो दोस्तों आज हो गई है 26 नवंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान, अब आंदोलन के पार्ट टू की तैयारी में है अन्नदाता। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लगातार एक साल तक किसान आंदोलन चलने के बाद अब केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, और वहीं अब आप लोगों को बताते चलें कृषि कानूनों के खिलाफ जारी अपनी लड़ाई में जीत दर्ज करने के बाद किसान संगठनों और किसानों के बीच में खुशी का माहौल है। हालांकि किसानों ने यह साफ कर दिया है कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक किसान आंदोलन यहां पर खत्म नहीं किया जाएगा, और भी कई मुद्दे हैं उनको भी सुलझाया जाए। लेकिन इस सब के बीच हजारों की संख्या में किसान यहां पर नाचते गाते और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 नवंबर को संसद तक मार्च निकालने की घोषणा की है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं। और जहां एक तरफ किसानों में कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के जश्न का माहौल है तो वे अपनी दूसरी मांगों को पूरा कराने के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं, और वहीं संसद कूच के ऐलान के बाद दिल्ली की सीमा पर लगने लगे हैं बैरिकेड, बढ़ाई गई है पुलिस की तैनाती। ये यहां पर दोस्तों इस समय की बड़ी खबर सामने निकल के आई है, अगली अपडेट बताते चलें। शीत सत्र के पहले दिन ही कृषि कानून रद्द करने के लिए बिल ला सकती है सरकार, बीजेपी ने राज्यसभा के लिए जारी किया है व्हिप। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर उन्हें 29 नवंबर को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकार तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधेयक ला सकती है। व्हिप में कहा गया है कि सोमवार को सदन में एक महत्वपूर्ण चर्चा है और उसे पारित होने के लिए भाजपा सदस्यों को सरकार का समर्थन करने के लिए उपस्थित रहना ही होगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर है, अगली अपडेट बताते चलें। बीजेपी को हराए नारों के साथ यूपी में वोटरों के बीच जाएंगे राकेश टिकैत, बोले उम्मीद है एमएसपी का मुद्दा सुलझाएगी केंद्र। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी हमेशा से हमारा मुद्दा रहा है। टिकैत एक साल से अधिक समय से दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर चले हैं, किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, और वहीं राकेश टिकैत ने इस बीच कहा है कि एमएसपी से किसानों को मदद मिलेगी। इसके साथ साथ राकेश टिकैत ने कहा कि वो बीजेपी को हराओ के नारे के साथ यूपी के मतदाताओं के पास भी जाएंगे। बेहतर होगा कि भारत सरकार और पीएम मोदी आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ही इस मुद्दे को सुलझा लें। टिकैत ने यह भी कहा है कि बीकेयू समर्थकों को दिल्ली सीमा पर धरना स्थल को खाली करने की अभी कोई योजना नहीं है। टिकैत ने यह भी कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति बीजेपी को पराजित करना है, और राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि हम यहां सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी गांवों में बायकॉट का सामना करे और चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। पश्चिमी यूपी में यह पहले से ही शुरू हो चुका है और भाजपा का बायकॉट किया जा रहा है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी को हराओ नारे के साथ यूपी में राकेश टिकैत करेंगे कई चुनावी जनसभाएं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें, शीत सत्र में मोदी सरकार का चौतरफा घिरना तय है, कांग्रेस ने किसान महंगाई चीन समेत कई मुद्दे उठाने का लिया है फैसला। आप लोगों को बताते चले, अगले हफ्ते से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार का चौतरफा घिरना तय है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने शीत सत्र में सरकार को किसान महंगाई चीनी आक्रामकता समेत विभिन्न मोर्चों पर घेरने का फैसला लिया है। संसद के शीत सत्र को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर पार्टी की संसद रणनीति समूह की हुई बैठक में इस संबंध में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कांग्रेस की संसद रणनीति समूह की बैठक के बाद राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस संसद रणनीति समूह की बैठक में हमने फैसला लिया है कि हम संसद में कई मुद्दों को उठाएंगे जिसमें
मुद्रास्फीति, पेट्रोल और डीजल की कीमतें, चीनी आक्रामकता और जम्मू कश्मीर का मुद्दा शामिल है, और इसके साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को संसद में घेरा जाएगा। और वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को लखीमपुर हिंसा में शामिल होने पर कैबिनेट से हटाने सहित किसानों के मुद्दे उठाएगी कांग्रेस पार्टी संसद के शीत सत्र में। ये यहां पर देख सकते हैं मोदी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अगली बड़ी खबर बताते चलें, अखिलेश यादव के लिए मुसलमानों से वोट की अपील की है पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैसी ने। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य प्रदेशों के भी राज्यपाल रहे अजीज कुरैसी भाजपा का डर दिखा करके मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद टूटने के दौरान मुलायम सिंह यादव का मुस्लिमों के प्रति प्यार बताते हुए कहा है कि सिर्फ वही है जो मुसलमानों के सच्चे हितैषी हैं। और वहीं पूर्व राज्यपाल ने अपने ऊपर हुए मुकदमों का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार का डर दिखाया है और कहा है कि मुसलमानों को एकजुट होना ही पड़ेगा और यहां सिर्फ एक ही नाम है जो फिरकरस्त ताकतों से लड़ सकता है, वो है अखिलेश यादव। उन्हीं के हाथों को मजबूत करना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा किसी भी कीमत पर नहीं होने देना है, ये यहां पर दोटू कहना है पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैसी का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा, रिटायर्ड जज समेत नई जांच टीम टिकुनिया कांड की जांच करने के लिए पहुंची है खीरी, घटना स्थल का किया है दौरा। जी हां दोस्तों, टिकुनिया कांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय टीम लखीमपुर खीरी पहुंची। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज व यूपी कैडर के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की टीम ने घटना स्थल का दौरा किया है। अफसरों की टीम ने घटना स्थल का बेहद ही बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान घटना स्थल को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जांच शुरू हो चुकी है लखीमपुर खीरी कांड की। अगली बड़ी खबर बताते चलें, किसानों और कृषि संकट के अध्ययन के लिए बनेगा स्वतंत्र किसान आयोग, वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ का ऐलान। जी हां दोस्तों, देश में कृषि संकट की वास्तविकता समझने के लिए एक स्वतंत्र किसान आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 3 विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद मशहूर पत्रकार और द हिंदू के पूर्व ग्रामीण संपादक पी साईनाथ ने की है। मीडिया से बातचीत में पी साईनाथ ने कहा है कि इस आयोग में कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, एक्टिविस्ट और किसान यूनियनों के सदस्य शामिल होंगे। यह आयोग कृषि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और इसके सामने आए संकट का अध्ययन करेगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें, शिवराज सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ एनएसयूआई का हल्ला बोल, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे, जहां पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इस प्रदर्शन में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी भी मौजूद थे। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को, भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ महारैली में अखिलेश यादव बोले, आपके मान सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। लखनऊ के इको गार्डन में जन क्रांति पार्टी के द्वारा आयोजित भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति महारैली को संबोधित करते हुए सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के साथ ही चौहान समाज का भविष्य सुरक्षित है, इसलिए आगामी चुनाव में सपा को हर बूथ से जिताना ही होगा। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो चौहान समाज को हिस्सेदारी व भागीदारी मिलेगी। और इसके साथ ही भाजपा पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार एयरपोर्ट से लेकर के हवाई जहाज सहित सभी सरकारी उपक्रम बेचने का कार्य कर रही है, इसकी वजह से लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और नौकरियां खत्म हो रही है। ये यहां पर दोस्तों अखिलेश यादव ने घेरा है योगी सरकार को। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा ऐलान, बनाएंगे राजनीतिक पार्टी, पंजाब चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष
किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। चढ़ूनी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आगामी पंजाब चुनाव के मद्देनजर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी पंजाब में मॉडल प्रस्तुत करते हुए हरियाणा के लिए भी तैयारी में जुट जाएंगे। ये यहाँ पर दोस्तों किसान नेता चढ़ूनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर इस बीच बताते चलें, किसानों के मुद्दे पर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर जोरदार हमला। कहा बीजेपी सरकार में खाद ना मिलने से किसान त्रस्त हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसानों के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में खाद ना मिलने से किसान त्रस्त हैं। कांग्रेस की प्रतिज्ञा है कि बुवाई सीजन के 30 दिन पहले खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा करके समय पर सहकारी समितियों और पीसीएफ केंद्रों में भेजेंगे। हमारी प्राथमिकता किसानों को समय पर खाद देना है और उनकी हर समस्या को सुलझाना है। ये यहाँ पर कहना है प्रियंका गांधी का। इस समय की आज की दोस्तों सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।